खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था और क्राइम को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। खाबरी ने कहा कि भाजपा राज में जनता के पैसों की खुलकर बर्बादी हो रही है और भ्रष्टाचार की खुली छूट मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बदहाल है। उन्होंने कहा जिस तरह से प्रदेश में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू कोरोना से ज्यादा गंभीर साबित होगा। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मरीज को ड्रिप से जूस चढ़ा दिया जाता है। बता दें कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरकार का उन्हें जरा भी खौफ नहीं है। उन्होंने बनारस मामले पर कहा कि बनारस में बदमाशों ने दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूट ली थी। उत्तर प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और क्राइम कंट्रोल करने में असफल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से निकाय चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। सर, जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने यूपी सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरा है, क्या उम्मीद? देखिए, मुद्दे जनता के हैं, पार्टी के नहीं। पार्टी ने उठाया इसलिए है कि सरकार के कान पे जूरे गए। सबसे बड़ा मुद्दा है डेंगू का, सबसे बड़ा मुद्दा है क्राइम का, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई का। इन तीनों मुद्दों पर सरकार के कान हिलाने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था। आज हमने आपके माध्यम से उन तक ये खबर पहुंचाई है कि डेंगू से जनमानस को बचाया जाए, क्राइम से लोगों को बचाया जाए, महंगाई से लोगों को बचाया जाए। इसके लिए आपका सहारा लेकर के सरकार को जगाने का काम